संविधान या कानून, जैसे कानून का जैसे नियम है, बहुत पहले नहीं था, जाति पाति का भेद था, इन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने जाति पाति का भेद मिटाया। संविधान में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें लोग पहले मानते थे, छुआछूत रखते थे, जाति पाति का अब नहीं है। ये रामानुजन जी को क्यों जाना जाता है, कौन थे वो? भारत सबसे इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन थे। हाँ, तो इंग्लिश में तुम जनवरी का स्पेलिंग सुना दो। JANUARY। वेरी गुड, क्या नाम है? सालू। सालू के लिए ताली बजाओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन। ब्यूटीफुल मतलब क्या? स्लीप मतलब क्या होता? सोना। स्टार मतलब क्या होता है? तारा। बहुत बढ़िया। और बताओ बेटा, पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। किस क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास। माइक में आज क्या पढ़ाई हुआ है बेटा? किस क्लास में पढ़ते हो? चौथा। चौथा में क्या पढ़ाई हुआ है? इंग्लिश। इंग्लिश कुछ सुना जो आज पढ़ाया गया है। किताब में से पढ़ाया गया है। अरे टीचर आए होंगे तो कुछ तो अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए होंगे। क्या क्या चीज, कौन सा चीज सिखा रहे थे अंग्रेजी में आज? परीक्षा के जन चल रहा है वो भी लिखवाए हैं। क्या लिखवाए? जो परीक्षा में आता है वो भी लिखवाए। अच्छा, बस। तो इंग्लिश पढ़ाए हैं सर, तो इंग्लिश में तुम जनवरी का स्पेलिंग सुना दो। JANUARY। गलत हो गया। आप सुनाओ बेटा, आप सुनाओ। JANUARY। वेरी गुड, क्या नाम है? सालू। सालू के लिए ताली बजाओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 में। आप बताइए क्या क्या पढ़ाई हुआ है? इंग्लिश में पढ़ाई हुआ है। इंग्लिश किताब में से? हाँ, किताब में से पढ़ाई हुआ। किताब में से। अच्छा, तो किताब में से सर क्या पढ़ा रहे थे? परीक्षा का अवसर है ना, वही से पढ़ा रहे थे। अच्छा, कौन सा लेसन पढ़ा रहे थे? कौन सा लेसन? ये नहीं, ट्रांसलेशन उसमें थे। ट्रांसलेशन उसी में से पढ़ा रहे थे। ट्रांसलेशन में से नहीं पढ़ा वही। अरे कोई तो पार्ट पढ़ा रहे होंगे ना, अगर किताब का सिलेबस पढ़ा रहे होंगे तो कोई तो पार्ट पढ़ा रहे होंगे। हीरा मोती वाला पढ़ा रहे थे। हीरा मोती? हाँ। क्या है कहानी उसकी? हीरा मोती वाला, वो एक मोती राजा और रानी का। अच्छा, आप बताइए क्या क्या पढ़ाई हुआ है? मतलब पढ़ाई हुआ है मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सब संस्कृत, सब होता है। सब हो गया सब। अरे तो इसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा? इंट्रोल से पहले ही पढ़ा। इसके बाद सामाजिक विज्ञान है। हाँ। उसके बाद हमारे सर साइंस पढ़ाते हैं। हाँ। तो अभी अभी जो सर आए थे आज, वो क्या बता, क्या सिखा के गए आपको? सर मैम आई है। अच्छा, मैम आई थी, तो मैम क्या क्या बताई है आज? सेट में का क्वेश्चन लिखवाइए मैम। क्या, कौन सा क्वेश्चन? सेट का क्वेश्चन लिखवाइए। सेट का क्वेश्चन लिखवाइए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में पढ़ते हैं आप। अच्छा, तो फिर मुझे कुछ सुना दीजिए, जो भी आपको सुनाना हो, कोई कविता या कुछ भी, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें, आप अपना परिचय देना चाहें तो दे सकते हैं। आप बोलिए, कविता सुना के परिचय दे, अपना परिचय दीजिए। चलिए, हम सुंदरम कुमार है, हमारा घर सिंगियाईवन में है, हम क्लास 8 में पढ़ते हैं, यहाँ के सर विजय सर हैं। आओ, क्या बोले? और कविता सुना दीजिए। 8 क्लास का कि 7 क्लास का? 8 क्लास का, 8 में पढ़ते, तो 8 का सुनाइए। ये सब नहीं पहन के आया करो बेटा। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर हजार दिन, कहीं तो होगी राह पे नजर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर। तेज बोलो, तुमको भी याद है बेटा, तो साथ में इनके बोलो, अच्छा लगेगा ना। साथ में बोलो, दोनों लोग साथ में। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये जाएंगे गुजर गुजर हजार दिन, कहीं तो होगी इस चमन पे बिहार की नजर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बहुत बढ़िया, क्या नाम है? सुंदरम कुमार। सुंदर, आप? राजकुमार। दोनों के लिए ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्रेस कहाँ है तुम्हारा? ड्रेस कहाँ है? स्कूल आए हो? यस। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5वीं में। तो ऐसे क्यों आते हो बेटा? स्कूल आया जाता है नहा धो के, सुंदर बन के आया जाता है ना, ऐसे क्यों आए हो? ड्रेस पिछा गया, ड्रेस पिछा गया। नहाए थे सुबह?
यस। सही बताओ, सही सही उदाहरण नाहे थे? नहीं। क्यों नहीं नहाए? क्यों नहीं नहाए बताओ? नहीं नहाए। काहे नहीं नहाए, वही तो पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जब पूजा करने जाते हो भगवान जी के पास तो नहा धो के ही जाते हो ना? तो ये स्कूल भी तो मंदिर है ना, तो नहा धो के आना चाहिए। चप्पल चप्पल उप्पल पहन के चले आए, इतना गंदा गंदा। बताओ अभी तुमको दिखाएंगे तो सर की बदनामी होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? तुम्हारी वजह से सर की बदनामी होगी ना। अभी तुम्हारे फोटो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, तो सब सर का चेहरा देख के बोलेंगे इनके स्कूल में ऐसे गंदे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे बनोगे कि नहीं? बनोगे। तो नहा धो क्या होगे कि नहीं कल से? आएंगे। पक्का है ना? पक्का। कसम खाओ मैं बिना नहाए स्कूल नहीं आऊंगा। बोलो। नहाए बिना स्कूल नहीं आएंगे। रोज नहा के आऊंगा। रोज नहा के आऊंगा। साफ साफ कपड़ा पहन के। साफ साफ कपड़ा। पक्का है ना? पक्का। तुम्हारा ड्रेस कहाँ है? दूसरा क्लास में। दूसरा क्लास में। दूसरा। ड्रेस कहाँ है? ड्रेस ड्रेस घर पर है। तो ड्रेसवा घर पे क्या कर रहा है? ड्रेसवा घर पे क्या कर रहा है? तुम्हारा ड्रेस कहाँ है बेटा? खिंचाया है। खिंचाया है। ड्रेस पहन के आना चाहिए ना स्कूल, कल से ड्रेस पहन के आओगी ना। आपका ड्रेस कहाँ है? खिंचाया के लिए रखा है। गंदा हो गया तो खिंचाने के लिए रखा है घर। सबका ड्रेस ही गंदा हो गया एक ही दिन? कल पहन के आया, कल गंदा हो गया तो इसलिए आज मम्मी के देर पीछे निकली। अच्छा तुम्हारा ड्रेस कहाँ है? ड्रेस कहाँ है? ड्रेस यूनिफॉर्म खिंचाया है। सबका एक ही साथ क्यों गंदा हो गया था? रोज ड्रेस पहन के आती हो? पक्का है? अच्छा ये बताओ बेटा, ये कौन है? ये कौन है? कल्पना। कल्पना कौन थी? पता नहीं पता। छठा क्लास की। और उनके बगल में जो है वो कौन है? अच्छा कल्पना चावला कौन थी, किसी को पता है? कौन थी? कौन थी? कौन थी? वही तो प्रथम महिला थी, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला थी। क्या बात है, नासा से गई थी। और ये, और ये राकेश शर्मा है। इनके बारे में बताओ, क्या है ये, कौन है, क्यों फेमस है? ये भी अंतरिक्ष में गए थे, पहला बार गए थे अंतरिक्ष में, गए थे भारत से, इसरो से गए थे। और कल्पना चावला नासा से गई थी। क्या क्या क्या? राकेश शर्मा इसरो थे, राकेश शर्मा इसरो से गए थे और कल्पना चावला नासा कंपनी से गए थे। कौन बताता है ये सब? सब हमारे सर बताते हैं। क्या बात है। अच्छा ये कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्यों इनकी तस्वीर क्यों लगाई जाती है, क्यों हर स्कूल? विधानसभा में सबसे अध्यक्ष है, सबसे मतलब प्रारूप अध्यक्ष। क्या किए हैं वो ऐसा कि संविधान लिखवाने में मदद की और लिखा भी है? हाँ। संविधान क्या है? संविधान हम लोग का ये थी नागरिक का मतलब, जो जहाँ पे सुरक्षा। हाँ। सुरक्षा मतलब पुलिस का है या सुरक्षा करना, यही सब है। संविधान क्या है बेटा? संविधान संविधान एक कानून बनाया गया है। हाँ। तुम बताओ अपने दिमाग से जो पता है संविधान के बारे में बताओ, कुछ तो कहीं तो सुने होंगे। क्या जो पता है बेटा वही बताओ। संविधान क्या है? संविधान ये कानून, जैसे कानून का जैसे नियम है, बहुत पहले नहीं था, जाति पाति का भेद था। इन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने जाति पाति का भेद मिटाया। संविधान में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें लोग पहले मानते थे, छुआ छूत रखते थे, जाति पाति का अब नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या नाम बताए थे अपना? सुंदरम कुमार। सुंदरम कुमार। देखिए ये आठवीं में पढ़ने वाला सुंदरम है, जो संविधान में जो जातिगत भेदभाव को हटाकर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश थी उसके बारे में बता रहा है। लेकिन आज़ादी के 75 साल से ऊपर हो गए, समझिए। लेकिन जो जो चीज़ संविधान की जो आत्मा थी वो तक हम नहीं मिटा पाए हैं, या हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो आठवीं के बच्चे को पता है कि संविधान में क्या चीज़ें लिखी हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ऐसे ही पढ़ना है। ऐसे ही पढ़ना है और पढ़ते हैं, और ऐसे ही पढ़ के फिर अच्छी नौकरी करना है। मालिक बनना है, नौकरी नहीं, अपना स्टार्टअप खड़ा करना। नौकर बनने की चाहत तब वो गलत तरीके से है, जिसके वजह से सारे पब्लिक नौकर बनना चाह रहे हैं। वैसे नहीं, हमारे बच्चे कुछ करने वाले हैं, इनका प्रोजेक्ट आप चल के ऑफिस में देख लीजिए, ठीक है ना। वो खुद का अपना ऊन वो वर्क स्थापित करने वाले हैं, वो किसी के नौकर बनने वाले बच्चे हम नहीं पैदा कर। अपना काम क्या क्या बनना है बताओ, क्या करना चाहते हो? दिमाग में आया होगा कि हम ये तो नौकरी करेगा। सब वैसे नहीं है, हमसे पूछे मैं बता दूंगा किसकी क्या चाहत है, क्योंकि हम सबसे मित्रवत
नहीं, आप कुछ भी पूछ रही थे, क्या बोल रहे हैं कि हमारे सर बताए हैं? सर तो ये वो हम ही है यार, बाकी तो मैं डमी लोग। चलिए, कौन सी नौकरी करना बेटा, क्या बनना चाहते हैं? आईएएस। आईएएस बनना है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पता है, ये इधर आओ बेटा। पता है, ऐसे बच्चे ना देश के लिए गौरव है। पूछे क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि सरकारी स्कूल में किस तबके के बच्चे ज़्यादा पढ़ने जाते हैं। अभाव में रहने के बाद भी, परेशानियों में झेलने के बाद भी, परिस्थितियों को चुनौती देकर अगर बच्चे ये कह रहे हैं कि मुझे देश की सबसे कठिन परीक्षा निकालनी है, मुझे यूपीएससी निकाल कर आईएएस बनना है, इस तरीके का कॉन्फिडेंस अगर सरकारी स्कूल में देखने को मिलने लगे, अगर इस तरीके का कॉन्फिडेंस इन छोटे छोटे बच्चों में दिखने लगे, तो आप यकीन मानिए कि भारत बदल रहा है। इसका परिचय ये खुद बच्चे दे रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में कमियां लगातार आप देखते हैं, दिखाई भी जाती हैं, लेकिन ये जो बच्चे सपने बुन रहे हैं, इनका हौसला बढ़ाना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि अब सरकारी स्कूल के मॉडल बदल रहे हैं, अब सरकारी स्कूल का पहचान से चटाई लेकर बच्चों को बैग में भर कर जाते आप नहीं देखेंगे, अब ऐसे बच्चे भी सरकारी स्कूल में निकलेंगे, तभी संविधान की सही वाली लाइन या सही वाली परिभाषा सेट होगी कि राजा का बच्चा अब राजा नहीं बनेगा। यही एग्जांपल ये बच्चे सेट कर रहे हैं, अभाव में भले है लेकिन बनना है। ठीक, कितना घंटा पढ़ते हो बताओ? लगभग रात में तीन साढ़े तीन घंटा पढ़ते। सही में? सही में। झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ नहीं। यहाँ से जाने के बाद पढ़ते हो रोज? हाँ, थोड़ा मतलब आराम कर कर थोड़ा सा जाते हैं कोचिंग के बाद आते हैं, तो थोड़ा खेल कर रात में पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। चलो हम देखें तुम लोग क्या बनाए हो। यहाँ भी मैप, जैसे फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है, और हम तस्वीरों में आप देखिएगा नेताओं की तस्वीरों से ज़्यादा आप थोड़ा परहेज करते हैं, ज़्यादा हम उस तरह की चीज़ें जो उन्हें प्रेरित कर सकें। ठीक है, चूँकि अभी तक आज़ादी के बाद से पूरे विद्यालयों में सिर्फ नेताओं की तस्वीरें लगाते रहने से क्या हुआ कि सारे बच्चे नेता बनना चाहते, उनमें कोई तो क्यों नहीं विद्यालय में, मतलब जो हिमालय पर चढ़ा, नहीं जो माउंट एवरेस्ट को फतह किया उसकी तस्वीरें हो, तेंदुलकर की तस्वीरें हो, लता मंगेशकर की तस्वीरें हो, इसरो के वैज्ञानिक की तस्वीरें हों, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, और मेरा यही मानना है। ये बताओ बेटा, ये कौन है? सीवी रमन। सीवी रमन भारत को, आप बताओ क्या है, कौन है ये? सीवी रमन। अरे सीवी रमन लिखा तो है। सीवी रमन कौन है? वो कौन है ये थी भारत, मतलब भारत में फिजिक्स में सबसे ये थी तेज से इंटेलिजेंट, नोबेल प्राइज भारत का पहला। दुनिया क्या किए थे वो, ऐसा क्यों उनको जाना जाता है? भारत में सबसे मतलब विज्ञान में उनके ही जन्मदिन पर। हाँ ठीक है, उनके जन्मदिन पर बोलो। ठीक है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। हाँ, हम लोग विज्ञान के दिन चंद्रमारी कन्या कॉलेज मध्य विद्यालय। घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं। हाँ, गए थे उसमें प्रोजेक्ट लेकर, और उसमें हम ही लोग फर्स्ट आए थे। और ये रामानुजन जी को क्यों जाना जाता है, कौन थे वो? भारत सबसे इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन थे। वो क्या, कौन सा खोज किए थे, क्या किए थे ऐसा कि उनको? उन्होंने बहुत ही ऐसे फार्मूले खोजे थे जो हमको थोड़ा भी शायद भी नहीं पता था। फार्मूला जैसे 0/0 था, बहुत ही फार्मूला था, कुछ हमको याद नहीं है। होल स्क्वायर सब बीजीय व्यंजक में वो सब था। आइए, हमारे सर पहले बार बताए थे जब हम लोग छठे में थे, तो ये बताए थे कि एक टीचर था, वहीं बोले थे कि 1 से 100 तक का पूरा गुना करके लिखना, गिनती कर लिखना था, तो सबसे पहले ये लिख कर बताए थे। श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन अब उतना नहीं हाल इतने इनके दिन पर, मतलब इनका डे भी मानता है। श्रीनिवास ITI कॉलेज में गए थे हम लोग परीक्षा देने, डे मनाना पता, पूरा बिहार दिवस में मानता है श्रीनिवास रामानुजन डे। आप लोग इन लोगों को जब देखते हैं तो दिमाग में क्या आता है, मतलब जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं, इन लोगों को देखते हैं कि कोई गणित में इतना नाम कर चुका? हमको महसूस होता है कि हम भी सबसे तेज बने, इंटेलिजेंट बने पढ़ने में, ताकि लोग हमें भी जाने। बहुत बढ़िया। वाह भाई, बच्चों का कॉन्फिडेंस है भाई, मानना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस वाले बच्चे हैं। यहाँ पे अभी रंगवाए हैं, यहाँ पे हम रोज की खबरें, मैंने प्रतिदिन जो खबरें होती हैं उनको यहाँ पे अखबार भी करते हैं,
को, चूंकि ये खराब हो चुका था, ये पहले ब्लू वाला था, इसको बढ़ा दिए, चूंकि बच्चे इतना खबर साट देते थे कि कम पड़ता था, तो इसको थोड़ा और ऊपर कर दिए, मैंने हमारा अखबारी कोना है। तो क्या बच्चे लाते हैं खबरें अपनी? वो अखबार मैं लाता हूँ, उसमें जो इंटरेस्टिंग खबरें होती है मैं उसको साटता हूँ, कि ताकि खबर पढ़ने के बहाने एक तो खबर जाने नई मैंने जो सूचनाएं हैं उनसे वो भिज्ञ हों, और दूसरी बात कि इसी बहाने कुछ पढ़े जिसमें खबर कम होता है चित्र ज़्यादा होता है, क्योंकि उतना बड़ा लिखेंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं, उतना वाला साटेंगे तो थोड़ा सा कि किसी बहाने वो पढ़े, और इंटरेस्टिंग चीज़ पहले क्लास में बता देते हैं कि क्या है, अब बोलते हैं कि जाके वहाँ पढ़ लेना। ड्रेस कहाँ है बेटा? हमारा खिंचाया है। नहा के आई थी स्कूल? झूठ बोल रही हो? सही सही बताओ। सही नहा के आई थी? नहा के आई थी है? बेटा ऐसे नहीं, गंदा कपड़ा नहीं पहन के स्कूल आते हैं, ठीक है, साफ साफ पहन के आते हैं। क्या करते हैं? साफ साफ पहन के आते हैं। तो साफ साफ पहन के आओगी ना? पक्का है? पक्का। और नहा के आओगी रोज? सही है। चलिए भाई, हम जा कहीं और रहे थे, आ कहीं और गए, और यही एक पत्रकार का यही काम होता है, जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं, वैसे ही हमारे साथ हुआ। ड्रेस कहाँ है? ड्रेस कहाँ है? घर पर। घर पे क्या हो रहा है? ड्रेस बिछाया गया है। बस सबका ड्रेस आज ही बिछाया है। तुम्हारे ड्रेस कहाँ है बेटा? बिछाया है। तुम्हारा कहाँ है? बिछाया है। झूठ बोल रही हो? रोज प्रतिदिन होता है यहाँ चेतना सत्र में, मतलब चेतना सत्र जिसको आप मॉर्निंग असेंबली बोलते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो दिवस ज्ञान की आज का दिवस ज्ञान विश्व जैसे वन्य जीव दिवस, आज का विचार हो गया, फिर रोज थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा हो जाता है। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर। एक साथ बोलो तेज से, ब्यूटीफुल मतलब क्या? बहुत बढ़िया। स्लीप मतलब क्या? सोना। स्टार मतलब क्या होता है? तारा। बहुत बढ़िया, अपने लिए ताली बजा लो एक बार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ये कौन लिखा है विचार? हाँ ये छठा क्लास की एक लड़की लिखी है। कौन तो लिखी है? डीओ साहब का रोज रोज आता है व्हाट्सएप पे, तो लेकिन हम बच्चे को देते हैं। कौन बताएगा ये? वो बोल के बताओ क्या लिखा है ये? चलो ना पढ़ो, तेज से बोलना। संसार आपको तो संसार आपको तभी पहचान सकेगा जब संसार को अपनी समताओं से परिचय कराएगी। इधर उतना मतलब राइटिंग थोड़ा रहती है, मतलब टफ है, उधर से नहीं। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। संसार आपको तभी पहचान ही सकेगा जब संसार को अपनी समताओं से परिचय कराएंगे। बहुत बढ़िया, आज कितने काबिल है महोदय, ये आप लोगों को बताएंगे तभी तो पता चलेगा। जैसे ये बच्चे बता रहे हैं, हम अभाव में भले हैं लेकिन हमारे अंदर हौसला है,